नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, बात करेंगे खुद के घर की। रोटी, कपड़ा और मकान हर किसी की पहली जरूरत है। जिंदगी में इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। इनमें से रोटी और कपड़ा तो फिर भी एक बार के लिए हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, पर खुद का मकान होना और बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। अगर आप भी अपने घर बनाने का सपना रखते हैं पर अपनी ये जरूरत पूरी करने में असमर्थ हैं, तो चिंता मत कीजिए। मैं लेकर आई हूँ कुछ उपाय, इन्हें अपना कर आपका सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। पहला उपाय, रोज सुबह स्नान कर गणेश जी को एक लाल फूल अवश्य चढ़ाएं और 21 दिन तक मंदिर या घर पर गणेश जी की समस्या निवारण हेतु प्रार्थना करें। दूसरा, 5 मंगलवार लगातार किसी गणेश जी के मंदिर में जाएं और गणेश जी को गेहूं और गुड़ अर्पित करें। श्री गणेश की कृपा से जल्दी आपका अपना घर होगा। तीसरा उपाय, नीम की लकड़ी से एक छोटा सा घर बनाएं और इस घर को अच्छी तरह से सजाकर किसी मंदिर में ले जाकर दान कर दें। इससे आपको अपना घर मिलने के रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय, मंगलवार के दिन सफेद गाय और बछड़े को मसूर की दाल व गुड़ अवश्य खिलाएं। घोड़े को चने की दाल भी खिला सकते हैं। कोए को दूध में भीगी रोटी डालें और तोते को सब दान डालें। पांचवा उपाय, घर के पूजा स्थल में एक मिट्टी का छोटा सा घर लाकर रखें और प्रत्येक रविवार को उसमें सरसों का तेल का दीपक जलाएं। अब दीपक पूर्ण हो जाए तो उसमें फिर से कपूर जलाएं। छठा उपाय, जिन लोगों को मकान खरीदने या बनाने में देरी हो रही हो या लोन मिलने में कठिनाई हो रही हो या अन्य कोई बाधा आ रही हो, तो एक उपाय करें। यह उपाय रविवार से प्रारंभ करना चाहिए। उपाय के अनुसार आपको प्रतिदिन सुबह सुबह गाय को गुड़ खिलाना है। सातवां उपाय, अगर आप अपना स्वयं का मकान बनाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार अथवा नवरात्रि के किसी भी दिन एक लाल कपड़े में 6 चुटकी कुमकुम, 6 लौंग, 9 बिंदियां, थोड़ी सी साफ मिट्टी और 6 कोड़ियां लपेटकर किसी भी नदी बहते पानी में मन ही मन अपनी मनोकामना कहते हुए विसर्जित कर दें। इस उपाय से जल्दी आप अपना घर खरीद लेंगे। आठवां उपाय, अपनी मनचाही जमीन अथवा अपना मनचाहा मकान पाने के लिए पहले नवरात्रि के दिन जहां आप मकान बनवाना चाहते हैं या जिस भी मकान को आप खरीदना चाहते हैं, उस मकान की मिट्टी लेकर उसे एक कांच की बोतल में डालें, फिर उस शीशी में गंगा जल और कपूर डालकर अपने पूजा घर पर जो का ढेर बनाकर उस पर रख दें। फिर पूरे नवरात्रे इस मंत्र का जाप करें, हेम हीन कलिंग चामुंडाय विच्चे। एक दिन में 5 बार माला के साथ इस मंत्र को जपें और आखिरी नवरात्रे वाले दिन जो को उस स्थान पर डाल दे जिस स्थान की मिट्टी आप लाए थे और कांच की शीशी की सामग्री किसी भी नदी में प्रवाहित कर दे और खाली कांच की शीशी को पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। जल्दी ही आप अपने खुद के मकान में होंगे। ये उपाय एक अचूक उपाय है। दोस्तों, इन उपायों को अपनाते हुए श्रद्धा भाव और स्वच्छता दोनों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपको बताए खुद का मकान खरीदने के लिए कुछ उपाय। इन उपायों को अपनाएं और जल्दी अपने सपनों के घर में शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों, समस्या जिंदगी का ही एक रूप है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई समस्या है या आपको कोई डाउट रह जाता है या वास्तु के प्रति कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए हमसे जानकारी ले सकते हैं।